खवातीन को भाई देखें आप खुद ही कह रहे हैं कि जिस मुल्क में जो हालात हैं अमन अमान के और जो महंगाई के हालात हैं, जो बिजली की हालतें हैं, जो बिल हैं, मेरे ख्याल से बहुत बड़े बड़े इशू हैं पीटीआई के अलावा। पीटीआई से बाहर निकलें मतलब बहुत हो गया, 14 महीने उससे पहले का ये सब कुछ शुरू है, 2-2.5 साल हो गए हैं अभी। जान छोड़े पीटीआई के जो मसले हैं जिनके आपको शिकवे हैं वो मसले पर हल करें ना, हमारी जान छोड़े। हमारे पे हर टाइप की टर्म ही इंट्रोड्यूस हो रही है, अभी क्या करें, हम ही बचे हैं सिर्फ। आए आए भाई प्लीज, मुझे लग रहा है क्या हो सकती है मरियम नवाज की और आपकी जाति, क्या तरीफे बहुत करती हूँ। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि आपको उस किस्म का दोबारा पॉडकास्ट करेंगे जो इसकी वजह से आपको बड़ा मसाइल का सामना। मैंने कोई पॉडकास्ट पहले नहीं किया था, उनको इतराज है, मैं कहता हूं बस यार। अच्छा सनम जावेद इधर आए, इधर आए, इधर आए सनम, इधर इधर मरियम नवाज के से क्या फैसला दिया आपने सब खवातीन के सर पे, बहुत बड़ा एहसान किया आप। उन्होंने कहा मैंने इंसाफ किया, मैंने कहा इंसाफ करना भी आजकल मुश्किल है, आपकी बहुत मेहरबानी है, आपने बहुत एहसान किया सब खवातीन के सर पे, हम सब की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई में एक बंदे को छोड़ा जाता है दूसरे बंदे को गिरफ्तार कर लिया, चले बिजी रहने दें आराम से ध्यान से मैं जज साहब का शुक्रिया अदा करके आई हूँ कि जज साहब आपकी बहुत मेहरबानी, आपने इद्दत केस में जो फैसला दिया आपने सब खवातीन के सर पे बहुत बड़ा एहसान किया। उन्होंने कहा कि जी मैंने जो किया है वो मैंने इंसाफ किया, मैंने कहा जी इंसाफ करना भी आजकल मुश्किल है, आपकी मेहरबानी कि आपने हिम्मत करके इंसाफ किया, आपका बहुत शुक्रिया। बस बिजी है वो, एक को छोड़ते हैं एक को पकड़ते हैं, एक को छोड़ते हैं एक को पकड़ते हैं। मैडम आप पार्लियामेंट गई, आपको बनने का कहा जा रहा है जी, देखिए क्या खान साहब क्या फैसला करते हैं। कोई ग्रीन सिग्नल तो मिला होगा खान साहब, मुलाकात नहीं हुई खान साहब से।